हेलो दोस्तों, राम राम, वेलकम टू माय चैनल शान याडा। और आज पूरी इंडिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि रिया चक्रवर्ती हो चुकी है गिरफ्तार। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे। तो ये भसड़ हो गई और रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। आर पब्लिक कंटिन्यू लगा रहा उसी चीज़ में लगा रहा है। बाकी दो तीन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, जैसे आज तक वाले हैं और दो तीन और, जो कि बोलने लग गए थे कि मतलब केस को ठंडा करने की कोशिश करने लग गए थे कि ऐसा कुछ नहीं, उसको बेचारी की तरह दिखाने लग गए थे हर कहीं से। अगर वो बेचारी होती तो बताइए, कल NCB की पूछताछ के बाद उसे तक केस करने गई थी सुशांत के परिवार के ऊपर बांद्रा पुलिस स्टेशन पर, वो बता दीजिए। अगर वो इनोसेंट होती तो उसके मुँह से स्माइल निकलती, अगर वो इनोसेंट होती उसकी आंखों से आंसू निकलते। वो इनोसेंट थे ही नहीं। ये सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है सब कुछ पता है। अगर जितनी इन्वेस्टिगेशन NCB वालों ने करी, इतनी अगर पहले कोई कर देता ना, अब तक तो गिरफ्तार जाने कभी हो चुकी होती है। काफ़ी लोगों ने उसकी इमेज धुलने की कोशिश करी है, काफ़ी लोगों ने मुझे धुलने की कोशिश करी है। बताओ, उसे बेचारा दिखाया जा रहा, तो NCB वाले उसे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसका चेकअप होगा कि उसे कोरोना तो नहीं है, तब उसके बाद उसे जेल में लेके जाएंगे। उसके बाद उसकी पूछताछ होगी कि कहाँ पे थी, क्या था, क्या। मैं तो कहता हूँ उसके पापा को ही पूछो एक बार, क्योंकि हिज फादर इज डॉक्टर। तो उसका पापा डॉक्टर था फौज में, और उसको सुशांत को इंजेक्शन बहुत सारे लगे हैं, बताते थे कि सुशांत को गले में इंजेक्शन लगे हैं बहुत सारे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये रिमांड लीजिए, सब कुछ निकल के आएगा सामने। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती सुशांत के केस में इतनी मेहनत से काम कर रहा है, ये अगर इसी तरह हर मीडिया काम करे, पाल घर के लिए आवाज़ उठाओ, जो पाल घर में जो कांड हुआ उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है, प्लीज़ उनके लिए आवाज़ उठाओ, जिस तरह से आर पब्लिक ने सुशांत के लिए उठाया। अगर इसी तरह पाल घर के लिए भी ऐसे लोग जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते ना मीडिया वाले, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको भी न्याय मिलता। और सच छुपता नहीं है, सच बाहर आ गया। और ड्रग्स के अंदर बताते हैं 20 से 25 बॉलीवुड जो टॉप अच्छे लेवल पर काम करते हैं वो इससे कनेक्टेड है। वो रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स सप्लाई करती थी, और कल भी कई पूछताछ हुई थी तो वो कई सारे सवालों का जवाब दे नहीं पाई थी, आज भी कई सवालों का जवाब दे नहीं पाई, जिसके कारण तुरंत गिरफ्तार हो चुकी है वो। 10-20 दिनों में वो लोग भी गिरफ्तार होंगे, उनसे पूछताछ होगी जो रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स लेते थे। बहुत बड़े टॉप के बॉलीवुड स्टार्स हैं, तो उनके नाम भी हैं, उसके नाम बता चुकी रिया चक्रवर्ती, वो भी गिरफ्तार होंगे। तो बहुत ये अच्छी खबर आई, बहुत खुशी की खबर है। सब लोगों ने इमेज धुलने की कोशिश करी, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, सीता माता और सुपर्णखा में बहुत फ़र्क होता है। दोनों औरतें हैं लेकिन दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। कुछ बैकअप है, बहुत तगड़ी बैक है उसकी, तभी इतना टाइम लगा गिरफ्तार होने में, नहीं तो बहुत पहले हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।